मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गया, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। लेट्स फाइंड सम हैप्पीनेस। घर के बाहर भी इतना सन्नाटा है, अब हैप्पीनेस कहाँ ढूंढूँ मैं। हैप्पीनेस का तो पता नहीं, बट मैंने सोचा हम अहमद भाई के घर चलते हैं। फिर हमने अहमद भाई के घर पहुँच गए, वहाँ पहुँच के हमने अहमद भाई को कॉल करी, बट वो तो ऑफिस गए हैं। अब मसला ये है कि वलीद भाई भी जॉब पे है और अहमद भाई भी जॉब पे है, अब मैं अकेला क्या करूँ। तो मैं कैम्सी कॉम्प्लेक्स पहुँच गया। वलीद भाई तो नहीं है क्या हुआ, बट अहमद भाई हमारे आ रहे हैं, अहमद भाई का वेट हो रहा है। आएंगे हम घर, जाएंगे थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, फिर कहीं बाहर निकलेंगे। अब अहमद भाई हमारे जॉब पे गए हैं, अभी कह रहे हैं बॉय मैं बस 20 से 25 मिनट में आ रहा हूँ, जब तक हम कैम्सी कॉम्प्लेक्स घूमते हैं। और जब तक मैं कैम्सी कॉम्प्लेक्स पहुँचा, इस वक्त तक मगरब की अजानें हो रही थी। जिस हैप्पीनेस को मैं तलाश कर रहा था वो असल में हैप्पीनेस थी ही नहीं, बट जितनी खुशी मुझे नमाज पढ़ के मिली है वो सिर्फ एक मोमिन ही जान सकता है। अजान को भला कौन टाल सकता है, अब अजान वही जाना तो बनता हमारा। बस फिर नमाज पढ़ने के फौरन बाद घर पहुंचो, क्योंकि कभी कभार हमारा दिल भी नहीं करता कि मगरब के बाद कहीं बाहर निकलें, वरना अक्सर अवकात तो मगरब के बाद ही बाहर निकला जाता है। कराची वाले हम ऐसे ही हैं भाई, हमारी सुबह जब 2 बजे होती है और रात हमारी 1 बजे होती है, और सॉरी स्टार्ट होती है। ओए खालिद, हाँ खालिद, ओए खालिद एक मिनट मोबाइल तो ले जा अपना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।